हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीत रेसिपीज में। तो आज हम बनाएंगे पापड़ी चाट, बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरी। तो चलिए सबसे पहले हम चाट के लिए पापड़ी रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगा बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज की अपडेट्स आप सबको मिलती रहे। तो सबसे पहले पापड़ी बनाने के लिए मैंने ऐसे 100 से 125 ग्राम मैदा लिया है, यानी कि 1 कप। तो आधा कप सूजी, मैदा और सूजी को बना के हम ये पापड़ी मिला के हम ये पापड़ी बनाएंगे। तो इसमें लगभग आधा चम्मच नमक जाएगा, तो 1 टेबलस्पून ऑयल, इससे ये कुरकुरी बनेगी बहुत ही बढ़िया। तो ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ऑयल के साथ। तो ये देखिए, तेल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके अंदर। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेते हैं और इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालिए, सूजी पानी जो है वो थोड़ा ज्यादा सोखती है, इसलिए आप इसको सॉफ्ट डो रेडी करें। तो ऐसे देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको एक गीले कपड़े में ऐसे डाल के रख देंगे अपने डो को, इस तरीके से आप गीले कपड़े में रैप कर दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए। तो गीले कपड़े से ढकने से क्या होता है, इसका मॉइस्चर कम नहीं होता है, इसलिए हम इसको 10 मिनट तक ऐसे ही गीले कपड़े से ढक देंगे। तब तक हम अपनी इमली की मीठी चटनी रेडी कर लेते हैं। जो भी हमने इस चाट पापड़ी में डालना है उसके लिए मैं सब कुछ घर पे ही रेडी करूंगी। तो सबसे पहले हम 2 कप ऐसे तो छोटे कप इमली का पल्प ले लेंगे। ये मैंने इमली को लगभग 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, उससे ये इमली का पल्प रेडी हो जाता है। तो उसको मैश करके मैंने सारा पानी निकाल लिया है और ये मैंने 2 कप लिया है लगभग। आप जितनी भी चटनी बनाना चाहते हो उतना ले सकते हो इमली का पल्प। तो ऐसे इमली के पल्प को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैं 1/4 कप ले रही हूँ। तो लगभग 100 ग्राम के करीब चीनी हमने इसमें डाल देनी है। तो इसको हमने एक बॉईल दिलाना है और साथ में मैं इसके लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये चटनी को बढ़िया कलर भी देता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। ये खट्टी मीठी चटनी हम बना रहे हैं। तो आधा चम्मच मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आप यहाँ पे जीरा भी भून के डाल सकते हो, मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो ऐसे बिल्कुल चटपटी और स्वादिष्ट चटनी हमारी बिल्कुल बाजार जैसी घर पे ही रेडी हो जाएगी। तो अब इसको एक बॉईल दिला लेते हैं। तो ये देखिए, बॉईल आने के बाद ये पूरी तरह से रेडी हो गई है और थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है, ये देखिए। तो अब हम गैस को बंद करते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इमली की मीठी चटनी भी हमारी रेडी है। अब हम दही को भी थोड़ा सा फेंट लेते हैं। फेंटने से पहले मैं 1 चम्मच इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी ऑप्शनल है दही में, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको ऐसे भी फेंट सकते हैं। तो चलिए इसको फेंट लेते हैं। चीनी को हमने अच्छे से घोल लेना है दही के अंदर। मीठी दही से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चाट पापड़ी में, इसलिए मैंने डाली है चीनी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, आटे में पूरा मॉइस्चर है। अब हम एक बार फिर से इसको मसल लेते हैं। तो आटा हमारा पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसमें से एक लोई तोड़ते हैं और इसको पतला पतला बेल लेते हैं। इस तरीके से हमें बड़ी लोई लेनी है और अब हम इसको बेलेंगे। तो बेलने से पहले हम इस पे दोनों तरफ थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। तो अब हम इसको बेलते हैं। तो आप इसको ऐसे ही बेल लीजिए बिल्कुल बराबर। अब हमने क्या करना है, इसको शेप देनी है पापड़ी की।
तो शेप देने के लिए आप ये ऐसे छोटा गिलास, छोटी कोली या किसी बॉटल का ढक्कन भी यूज कर सकते हैं। मैं इस ढक्कन का यूज करूंगी। तो इस तरीके से हम इसमें से पापड़ी निकालेंगे। ऐसे हमने कितनी सारी पापड़ियां बना लेनी है। तो एक शीट में से हमारी ऐसे 7-8 पापड़ियां इजीली निकल आती हैं। तो अब हम एक्स्ट्रा डो को निकाल देते हैं। तो आप ऐसे ही सारी शीट्स बना के उसमें से पापड़ियां निकाल लें। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको हमने फुलाना नहीं है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा फोक इस तरीके से कर दीजिए। तो ऐसे ही आप पहले अपनी सारी पापड़ियां रेडी कर लीजिए, इस तरीके से तैयार करके रख लीजिए, बाद में एक साथ इसको फ्राई कीजिए। मैंने आटे की सारी पापड़ियां बना के पहले से ही रख ली हैं, तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो तेल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, तो एक डाल के हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम एक एक करके अपनी सारी पापड़ियां इसमें डाल देंगे। तो गैस की आंच आप यहाँ पे मीडियम रखें, ना ज़्यादा हाई रखें ना लो रखें, बिल्कुल मीडियम रखें ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो ऐसे हम सारी पापड़ियाँ इसमें डाल देंगे और अच्छा गोल्डन कलर आने के बाद इनको निकाल लेंगे। तो देखिए ये गोल्डन होनी शुरू भी हो गई है, लेकिन हमें इनको गोल्डन ब्राउन कलर देना है हल्का, तो थोड़ा सा और इनको पका लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है इनका, और अब हम इनको निकाल लेते हैं एक ट्रे पे। तो जो बाकी बची हैं उनको भी हम ऐसे डाल देते हैं। तो सूजी और मैदे से बहुत ही अच्छे स्नैक्स रेडी होते हैं, तो आप इस लॉकडाउन पीरियड में ये दोनों चीज़ें अपने घर पे ज़रूर रखें। तो इन दोनों चीज़ों से आगे भी मैं आपको स्नैक्स बताती रहूँगी और गेहूं के आटे की भी बताऊँगी। तो मेरी ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो ऐसे पापड़ियाँ सारी रेडी हो गई हैं और ये थोड़ी ठंडी भी हो चुकी हैं, तो अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही क्रंची और खस्ता बनी है। आप इसको ऐसे टी टाइम चाय के साथ एज ए मट्ठी भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए हम इन पापड़ियों से अपनी चाट रेडी करते हैं। तो ऐसे हम थोड़ी सी पापड़ियां इसमें डाल देंगे। तो पापड़ियां मैंने प्लेट में ऐसे डाल दी हैं। अब हम इसके ऊपर एक आलू डालेंगे जिसको मैंने बॉइल करके थोड़ा ठंडा कर लिया है। तो इसको ऐसे कट करके हम डाल देंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट करना है हमें। तो ऐसे आलू को ऐसे छोटा छोटा करके आप काट लीजिए। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही जिसको हमने चीनी डाल के अच्छे से फेंट लिया है, थोड़ी सी इमली की चटनी, तो आप इसके ऊपर ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और सबसे एंड में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर आलू भुजिया, जो भी आपके घर में नमकीन है आप वो डाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये चाट पापड़ी बनके तैयार हो गई है। तो देखिए बिल्कुल ठेले वाले जैसी, बाजार जैसी हमारी कुरकुरी और चटपटी चाट बनके रेडी है। तो आप इस लॉकडाउन पीरियड में इसको ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।